जो इंस्पेक्टर की शहादत के संबंध में FIR दर्ज किया गया था उसमें से दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावे जो हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके लिए शासन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 50 लाख की अनुग्रह राशि उनके फैमिली को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, असाधारण पेंशन की उनकी पत्नी को असाधारण पेंशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नियमानुसार एक कोई भी मृतक आश्रित है उसको एक जॉब दिया जाएगा और इसके अलावा एक SIT की गठन किया गया है IG मेरठ रेंज के नेतृत्व में। वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि ये घटना आखिर हुई क्यों और गोकशी के बाद से भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई और उसमें सभी पहलू ध्यान दिए जाएंगे कि इनके साथ कितने लोग थे और लोग ड्यूटी छोड़ के क्यों चले गए इत्यादि जो बातें जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं उनका भी समावेश SIT अपने जांच में करेगी। सर मतलब जो पुलिस कर्मी उस समय उनको अकेला छोड़ के भाग गए थे विभागीय जांच भी के भी ऑर्डर किए गए हैं? नहीं, वो जो SIT जांच करेगी उसमें इन चीज़ों का भी इनका समावेश भी होगा और अगर कोई लैक्सिटी इनके लेवल पे होगी तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी।